बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विवास, आज हम जा रहे हैं सिंध कल्चर फेस्टिवल डे मनाने के लिए। तो ये बच्चे बताएंगे आज हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अशु भाई हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं मेरी टाइम म्यूज़ियम, वहाँ लगा है सिंध कल्चर फेस्टिवल डे। तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, देखते हैं जाके कैसा वहाँ मंज़र है, क्या हो। हम फेस्टिवल में आए थे, फेस्टिवल में आप देख सकते हैं ये बास्केट मैंने पूछी थी, तो ये 600 की पेयर था बास्केट का। और भी सारे काफ़ी सारे वहाँ यहाँ पे सिंधी कल्चर के हिसाब से सामान थे, बैग थे, और सब ये हैंडमेड आइटम थे जो हाथ के बने हुए थे। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सामान आया हुआ था और सब सस्ता था, इतना महंगा। और हैंडमेड आइटम आपको पता ही है कि कितना एक्सपेंसिव होता है। ये सिंध की जो ख़वातीन होती हैं वो अपने हाथों से बनाती हैं, उनको एम्ब्रॉयड करती हैं, और ये सब उनकी तहजीब का अक्स इन सामानों में मुझे नज़र आ रहा था। बस दिल चाह रहा था कि सब ले लो, मगर ना बहुत बहुत हसीन ये कुछ ना स्टॉल लगे हुए थे कॉस्मेटिक्स वगैरह के फेस्टिवल के अंदर। काफ़ी अच्छा सामान और काफ़ी सस्ता मिल रहा था आम मार्केट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ सामान बहुत सस्ता था और प्राइस भी बहुत कम थे। मेकअप वगैरह था, हर्बल प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे, काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स और भी काफ़ी सारा सामान था यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मरहबा वालों का था, और ये एक लिबास स्टूडियो था। यहाँ पे हर आइटम 600 रुपए का था, मैन किड्स वुमेन हर आइटम यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये लोग वहाँ से बहुत परचेज़ भी कर रहे थे, रश काफ़ी था फेस्टिवल के अंदर, बहुत रश था और लोग जो है बहुत धड़ाधड़ ख़रीदारी कर रहे थे, और क्योंकि सस्ता था तो लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा था इस फेस्टिवल से। तो काफ़ी जैसे ये शर्ट्स हैं और भी सब विंटर कलेक्शन आया हुआ था, 600 की ये शर्ट्स थी और ट्राउज़र्स थे काफ़ी सारा। ये सेवन हर्बल वालों के भी प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे, हेयर ऑयल था और काफ़ी सारा इनका कॉस्मेटिक का सामान था। इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था और ये प्रमोशन के लिए भी बैठे थे, और अच्छे प्रोडक्ट्स की इनकी प्रमोशन भी हुई और काफ़ी सामान इनका हो रहा था। और बाकी ये गेट मतलब शर्ट्स पीस मिल रहे थे, 600 रुपये का एक शर्ट पीस मिल रहा था। और ये कुछ आप सूटों के प्राइस देख सकते हैं जो कि 750 में 3 पीस थे, कुछ 750 के थे, कुछ 1000 के, 1500 के, 1000 के, और इतने फुल एम्ब्रॉयडर्ड सिंधी कल्चर के हिसाब से थे। और ये सारी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडर्ड सूट इतने सस्ते मिल रहे थे।
आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे 1500 रुपये में 2 सूट मिल रहे थे 1500 के अंदर, आप देख सकते हैं 750 का ईच था और 1500 के 2 सूट यहाँ पे मिल रहे थे, और कुछ 850 और 1000 के भी थे, और बहुत अच्छा फैब्रिक था और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत। एक SR कलेक्शन वालों की भी यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ पर भी काफ़ी सारा सामान इन लोगों का था, काफ़ी कलेक्शन थी इन लोगों की। और आप ये देख सकते हैं कि फेस्टिवल में बहुत रश था, सामान अच्छा मिल रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई डेंटिस्ट का भी था, डेंटिस्ट वाली भी थी, और यहाँ पे ये एंटीक टाइप की ज्वेलरी भी थी जो हमारी सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, और सारी हैंडमेड थी। और ये शॉपकीपर ये बता रहे थे कि ये सारी चीज़ जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं ये बाहर एक्सपोर्ट होती हैं, बाहर मतलब UK अमेरिका वगैरह में। और ये हैंड पेक आप देख सकते हैं, ये भी हैंडमेड था और इसके प्राइस थे 2000 रुपीज़। ये भी मुझे बहुत हसीन लग रहा था। और इसी टाइप के इन हैंडमेड आइटम्स इनकी शॉप पर थे जो हमारे सिंधी कल्चर के अकॉर्डिंग ही थे, और मुझे ये बहुत, ये इनकी शॉप का जो था इनका कार्ट वगैरह था, और पीछे इनके एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर भी था, ये देख सकते हैं आप इनकी शॉप का। ये इनकी शॉप का सामान था और भी बहुत सारी, ये हैंडबैग 2000 रुपीज़ का था, और ये इनका जो है ना शॉप का सब इसमें डिटेल्स थी इनके बैनर। क्या बहन को तसल्ली हो गई ना, कोई फिक्र की बात नहीं, अब आपको बेबी चाहिए उनके पास रहने दूँ। इसकी क्या प्राइस है? सुकून से देख ले बेटा, इसकी क्या प्राइस है? ये बेटा 600 है, 600 के हैं। क्या रुला दिया, छोटी पड़ दी? हाँ, क्या मेरा ये काम है। हाँ सही, इसकी क्या प्राइस है? दो पीस ही बचे हुए 500 के। ये वो है बटन है, बटन जी जी शर्ट, और ये माला है कितने की है? ये भी है, ये 350 की है, ये सब 500 की। एक नहीं है कार्बिन के पास, ये तो देना है इनका, एक स्वेट और पड़ा था।
500 की इसमें से। हमारे बाकी जबानों वाले सिंधी भाई हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई नफरतों का बीज नहीं होना चाहिए, हम सब लोग भाई हैं, हम सब लोग आपस में रिश्तेदारियां भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन जब हम सियासत करते हैं तो हम इसको टूल बनाते हैं, वो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद कुरैशी साहब, दरख्वास्त करूंगी आप अपने नशे में तशरीफ फरमा। और मैं अपने साहब सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये माशाल्लाह किसी भी ये एक बेहतरीन रवायत है जिसका मौजूद है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका आना जो है। आप स्टेज पे हमारे साथ रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फिर आप अजरक प्रेजेंट करेंगे कमिश्नर कराची साहब को। कौन से फ्लेवर में चाचा? मैं दरख्वास्त करूंगी बहुत सारे ऑरेंज है, लेमन है, लीची है, पाइनएप्पल है, पकोड़ा। लीची दे देना। कितने गए? मैं दरख्वास्त करूंगी बिलाल तालिब साहब से कि आप एक अजरक का तोहफा कमिश्नर कराची साहब के बेटे हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं, आप उन्हें प्रेजेंट करेंगे। शहरयार साहब हमारे टीसीएन एग्जीक्यूटिव फोरम के डायरेक्टर, प्लीज आप एक अजरक का तोहफा कमिश्नर कराची साहब के बेटे को प्रेजेंट करेंगे। पीछे अजरक सिंह की पहचान है, अजरक सिंह की शान है और हमारी जान है, और ये हमारा इज्जत के तरीके कार है कि हम इज्जत देते। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी तमाम होस्ट स्टेज पे मौजूद रहे और खासकर रहमतुल्लाह शेख साहब की सरबराही में जो कि एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, उनका बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी ये कमिश्नर कराची साहब एक अजरक प्रेजेंट करेंगे रहमतुल्लाह शेख साहब को एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट। तमाम होस्ट स्टेज
Thank you.